हिमाचल प्रदेश जिला कांगड़ा पुलिस और पंजाब के जिला पठानकोट पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से ये फैसला लिया है कि नशा बेचने वालों के खिलाफ अब पुलिस 302 यानी हत्या का मामला दर्ज करेगी। यदि नशे की ओवरडोज से किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है और ये पता लगता है कि व्यक्ति ने कहां से नशा खरीदा था, तो नशा बेचने वाले के खिलाफ हत्या का मामला भी दर्ज किया जाएगा। इसके लिए पुलिस सीसीटीवी कैमरे और क्षेत्र के लोगों की सहायता लेगी। कांगड़ा पुलिस ने ये फैसला भरदुआ व छन्नी बेली क्षेत्र में नशे के खिलाफ हिमाचल व पंजाब पुलिस के संयुक्त अभियान के दौरान लिया। इसमें स्पष्ट किया है कि यदि किसी व्यक्ति की नशे की ओवरडोज के कारण मौत होती है, तो अब ऐसे मामले गंभीरता से लिए जाएंगे। इसके तहत मृतक व्यक्ति मरने से पहले कहां कहां गया, किस किस से मिला और नशा कहां से खरीदा, इसका पता लगाया जाएगा। गौरतलब है कि आजकल हर क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं। ऐसे कैमरों की जांच भी मदद में ली जाएगी। सभी तथ्यों पर गौर करने के बाद ही नशा बेचने के खिलाफ 302 का केस दर्ज किया जाएगा। पठानकोट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विवेक सोनी और कांगड़ा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष पटियाल के नेतृत्व में दोनों राज्यों की पुलिस टीमें भद्रोआ और छन्नी क्षेत्र में संयुक्त रूप से दबिश दे रही हैं। पुलिस टीम को देखकर भद्रोआ व छन्नी बेली में आजकल हड़कंप मचा है कि पंजाब पुलिस और हिमाचल ने ना जाने कब संयुक्त रूप से दबिश दे दें। एसपी कांगड़ा संतोष पटियाल ने बताया कि पंजाब से सटे क्षेत्र में नशे का कारोबार हो रहा है, जिसको लेकर दोनों राज्यों की पुलिस ने संयुक्त अभियान शुरू किया है। नशा बेचने वालों के खिलाफ सख्ती की जाएगी और नशा बेचने वालों के खिलाफ आईपीसी 302 यानी हत्या का मामला भी दर्ज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कांगड़ा पुलिस ने नशा कारोबारियों के खिलाफ 6 दिनों में 8 केस रजिस्टर किए हैं, जिसमें 2 किलो 461 ग्राम चरस बरामद की गई है और 35 किलो 66 मिलीग्राम हीरोइन बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि नशे के व्यापारियों के खिलाफ इस मुहिम को और तेज किया जाएगा। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक वीक में हमने 8 केस 6 दिन में 8 केस रजिस्टर किए हैं और इसमें बड़ी मात्रा में चरस और चिट्टा हमने बरामद किया है। तो कहीं ना कहीं से जब ज्वाइंट ऑपरेशन हम लोग पंजाब पुलिस का कर रहे हैं और बाकी जगह भी होने वाला है, उसमें ये जो नशे के सौदागर हैं, लोग हैं, ये स्पेशली जो चिट्टे वाले हैं, इन पे बहुत प्रेशर पड़ गया और ये विड्रॉ कर रहे हैं। इसके साथ साथ वहां पे एक और पर्टिकुलर मेडिसिन है, बुप्रीनॉर्फिन जिसको बोलते हैं, बुप्रीनॉर्फिन, ये बेसिकली ओपियम डेरिवेटिव है जो कि ओपियम एडिक्शन या दूसरी एडिक्शन के समय को उसके इफेक्ट को दूर करने के लिए जनरली दी जाती है। और इसका पर्पज ये है कि धीरे धीरे आदमी इसको नशा भी यूज किया जा सकता है और नशे का के लिए डी एडिक्शन के लिए भी यूज किया जाता है। अभी जो ये डेथ्स हो रही हैं, ये बुप्रीनॉर्फिन जो अवेलेबल है पंजाब में लोगों को मिल रही है, उसको ये लोग पाउडर बना के बाद में उसका बजाय की ओरली उसके लेने के, ये नशेड़ी उसको इंट्रावीनस ले रहे हैं। और जब इंट्रावीनस इसको यूज कर रहे हैं उसके कारण उसके, क्योंकि वो बेसिकली ओरली लेंगे तो इसमें आदमी सेफ रहता है, लेकिन क्योंकि इंट्रावीनस से सडनली स्ट्रांग डोज चली जाती है और ये जाके हार्ट को बंद कर देती है और उसके बाद आदमी की मृत्यु होती है। तो ऐसे केसेज आ रहे हैं, ऐसे केसेस में या किसी और केस में जहां इंट्रावेनस ऐसी ड्रग्स दी जा रही हैं जो कि नहीं दी जानी चाहिए और जिनका सबको पता है कि इसके कारण मृत्यु हो सकती है, ऐसी अगर डेथ होती हैं तो हम जो सप्लायर है या उस आदमी को वो चीज सप्लाई करने वाला व्यक्ति है या ऐसी नशे की हालत में वो आदमी मिल जाता है और वो बता देता है कि मैंने उस पर्टिकुलर आदमी से जो इस तरह की मेडिसिन दी है, ड्रग्स दी है जो कि मैंने इंट्रावेनस दी है, तो हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और व्यक्ति अगर मृत्यु होती है तो 302 या 304 में मुकदमा दर्ज करने से हेजिटेट नहीं करेंगे। थैंक यू सर।